الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے اہل ایمان کے لیے یہ مہینہ انتہائی عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں کا ہے اس مہینے میں دن کے روزے رات کو قیام پھر اس مہینے میں رب کریم نے قرآن کریم اتارا اسی مہینے کے آخری عشرے میں اللہ نے وہ رات رکھی ہے جو رات تو ایک ہے لیکن ہزار مہینوں سے افضل ہے اور بہتر ہے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنی رحمتوں کا اور کتنی برکات سے بھرپور مہینہ ہے پھر واقعی وہ شخص بدبخت ہے کہ جو رمضان کا پورا مہینہ آئے اور گزر جائے اور وہ اللہ کی ان سعادتوں جو اللہ کی طرف سے ہیں اور رحمتوں کو پا نہ سکے جو رحمت اور مغفرت کے اعلانات ہیں اس کا مستحق نہ بن پائے اور عجیب بات کہ یہ اگر قرآن کا مہینہ کہا جائے اس کو تو یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے یہ صیام کا مہینہ بھی ہے
और अगर यूं कहा जाए तो ये सब्र का महीना भी है, ये शुक्र का महीना भी है, ये रहमत का महीना भी है, ये मग़फ़िरत का महीना भी है, ये जहन्नम से खलासी का महीना भी है, ये बरकतों का महीना भी है। और अगर एक जुमला कह दूं तो ये कहूं कि ये दुआ का महीना भी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक मुख्तसर सी सूरत तिलावत की है जिसे दुनिया सूरतुल कदर के नाम से जानती है। मक्की सूरत है और 5 आयात पर मुश्तमिल है। आज इसी के हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू करूंगा। अपना दिल और दिमाग हाजिर रखिए और कुरान करीम के अनवारात को अपने सीनों में महफूज कीजिए। फरमाया, इन्ना अन्ज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अन्ज़लनाहु, यकीनन हमने उतारा है, नाजिल किया है इस कुरान को, फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र में, शबे कद्र में, कदर वाली रात में, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, आपको क्या मालूम, आपको किसने बताया कि मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र शबे कद्र, कदर वाली रात खैरुन बेहतर है, मिन अल्फ शहरिन हजार महीनों से, तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, उतरते हैं फरिश्ते, वर्रूहु जिब्रील अमीन, फीहा इस रात में, बिइज़्ने रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, इजाजत से, मिन कुल्ले अमरें हर काम के साथ, बिकुल्ले अमरें हर काम के साथ, हर काम की वजह से, हर काम के लिए, सलामुन सलामती ही सलामती है, सलामुन यकसर अमान ही अमान है, सलामती ही सलामती है, ही हत्ता मतलाइल फजर, और ये रात रहती है मतलाइल फजर, फजर के तुलू होने तक, तुलुए फजर तक। अल्लाहु अकबर, कितनी अजमत है कुरान करीम की और इस रात की। बल्कि यूं समझ लीजिए, यह रात कुरान के लिए ज़र्फ है। क्या है? ज़र्फ है। तो उलमा अजीब बात लिखते हैं, जिस तरह मैंने दूध बाल्टी में डाला तो बाल्टी ज़र्फ़ है और दूध मजरूफ है। बात समझ में आ गई? बाल्टी ज़र्फ़ है और दूध मजरूफ है। तो ये लैलतुल कदर कुरान के लिए ज़र्फ़ है, कुरान इसमें मजरूफ है। अब दोनों का जोड़ देखिए कि जितना ज़र्फ़ आला होता है उतना ही मजरूफ आला होता है, जितना ज़र्फ़ आला उतना मजरूफ आला, या इसके बरअक्स कहिए
कि जितना मजरूफ आला उतना ही जर्फ आला, तो जोड़ आ गया। और उलमा ने दोनों बातें लिखी हैं, हम अक्सर ये जिक्र करते हैं, इन्ना अंजल्लाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उतारा है इस कुरान को फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में, शबे क़द्र में। तो हरिपुर वालों, कुरान जिस रात में आया वो रात हजार महीनों से अफजल पा गई, अफजल हो गई, शरफ पा गई। तो कुरान की वजह से जब रात इतनी आला हो गई तो खुद कुरान कितना आला होगा। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, और अगर यूं कहूं कि वाकई कुरान की वजह से लैलतुल क़द्र को अजमत मिली है तो यह बात बजा है, इसलिए कि यह कुरान मजरूफ है और लैलतुल क़द्र उसके लिए ज़र्फ़ है। तो कुरान ये अल्लाह का कलाम है, किसका? ये अल्लाह का कलाम है। तो जब अल्लाह का कलाम है तो ये अल्लाह की जात से निकला है, जब अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की जात से निकला है। इसीलिए उलमा लिखते हैं, हमारा अकीदा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक और फानी और हादिस नहीं है। और इसी मसले पर इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने 74 साल की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, कमजोर हड्डियां, मैदान में खड़े होकर नंगी पीठ पे रोजाना कोड़े खाया करते थे, हाके मारता था कि बोलो कि कुरान मखलूक है, हादिस है। वो कहते हैं नहीं, ये मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह का कलाम है। तो कलाम मुतकल्लिम की क्या होती है? सिफत होती, अल्लाह की सिफत है, ये मखलूक नहीं है, हादिस नहीं है। मार खा रहे हैं, मौलवी बिक गए, पीर बिक गए, साथी बिक गए, माल लेकर फतवे बदलने लगे। लेकिन कुर्बान जाऊं इस्तेकामत के इस पहाड़ पर के लोग आते हैं, कहते हैं अहमद फतवा बदल लीजिए, आपको ओहदे मिल जाएंगे, फतवा बदल दीजिए, मुराद मिल जाएंगी, फतवा बदल दीजिए, पैसे मिल जाएंगे। तो जवाबन कहने लगे कि अगर फतवा बदलना है मैंने, ईतूनी बिदलील मिनल किताब व सुन्ना, रब की किताब नबी की सुन्नत से दलील ले आओ, मुझे कुछ भी ना दो, मैं फतवा बदल दूंगा। और अगर दलील नहीं ला सकते तो फिर ना दौलत से फतवा बदलेगा और ना ही तुम्हारे तशद्दुद से फतवा बदल सकता है। मुझे कायल करना है, दलील लाओ, जोर से मेरे फतवे नहीं बदलते। नका फिर मार खाओगे? कहने लगे अगर तुम बातिल के लिए मारने की जुर्रत कर सकते हो तो मैं हक के लिए मार खाने की हिम्मत कर सकता हूं। ये कौन सी बात है? कीजिए, अपना जोर लगाइए, मारा जा रहा है, यकीन कीजिए मारने वाले भी तड़प जाते हैं, देखने वाले भी बिलबिला उठते हैं, लेकिन उनके पाए इस्तकलाल में जुम्बश भी नहीं आती। लेकिन कुर्बान जाऊं लोग बिक गए, फिर वही अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह है, जेल से जनाजा निकलता है। जब जेल से जनाजा निकलता है, पहले तनहा थे लेकिन जब हक के लिए डट गए, आज जब शहर से जनाजा जा रहा है
कायनात आलम इस्लाम तारीख आलम का सबसे बड़ा जनाजा था, तारीख आलम का सबसे बड़ा जनाजा जा रहा है। और जिनके जनाजे को देख के लोग कलमा पढ़ रहे हैं कि वाकई ये बंदा हक पर था। तो मैं बात कर रहा था कि कुरान की वजह से लैलतुल कदर को अजमत मिली है, कदर की इस रात को शान मिला है। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कदर, हमने उतारा है इस कुरान को लैलतुल कदर में। हरिपुर वालों, आप कहेंगे लैलतुल कदर में, हम तो आज तक यही सुनते आए, कुरान तो 23 सालों में उतरा है। कितने सालों में? 23 सालों में उतरा है। और या तो सिर्फ लैलतुल कदर फरमाया है, इसीलिए उलमा आपके समझाने के लिए जवाब देते हैं। फरमाया कि कुरान पहली मरतबा लोहे महफूज से बैतुल इज्जत तक, कहां तक? लोहे महफूज से आसमान दुनिया, ये जो हमारा आसमान है जो हमें नजर आ रहा है, आसमान कितने हैं? 7 हैं ऊपर नीचे। तो जो सबसे हमारे करीब है ये पहला आसमान हमारी जानिब से, आसमान दुनिया से कहा जाता है। इस आसमान तक लोहे महफूज से एक रात लैलतुल कदर में उतारा गया है। लोहे महफूज से, लोहे महफूज को लोहे महफूज इसलिए कहते हैं कि वो महफूज तख्तियां हैं, वो किसी भी शख्सियत और मखलूक की नज़र से क्या हैं? हाँ, महफूज हैं, किसी की रसाई नहीं है। वहां से अल्लाह ने इसको उतारा है आसमान दुनिया तक लैलतुल कदर में, जो रमजानुल मुबारक में है। और इसी को सूरह दुखान में फरमाया कि इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को मुबारक रात में उतारा है, बरकत वाली रात में उतारा है। एक और फिर आसमान दुनिया से इमामुल अंबिया के सीने पर, कल्ब अतहर पर थोड़ा थोड़ा करके 23 सालों में उतरा है। अब दूसरा माना करने लगा हूं, दूसरी तौजीह, वो क्या है कि इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर, हमने कुरान को लैलतुल कदर में उतारा है, यानी कुरान के नुजूल की इब्तिदा लैलतुल कदर में हुई है। पूरे कुरान की बात नहीं है, यानी नबी करीम गारे हिरा में थे, महवे इबादत थे, जो पहली वही आई इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, ये जो वही है ना, ये इसका आगाज किस में हुआ? लैलतुल कदर में, रमजान में हुआ है। तो अब माना होगा आयत का, हमने नुजूल कुरान की इब्तिदा लैलतुल कदर में की है। और आपको पता है कि जो बंदा इब्तिदा में पहल करता है वो अजमतें पाता है। तो इस रात ने कुरान के नुजूल के लिए पहल की, वो हजार महीनों से अफजल हो गई है। नबीर के दिल ने कुरान लेने के लिए सबसे पहले इस्तकबाल किया है। तो ये पहल इब्तिदा हुई है इस महीने में और इस रात में। और एक माना और करने लगा हूं जो बाज मुफस्सिरीन ने किया, वो है इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर, हमने उतारा है ये कुरान, नाजिल किया है फी लैलतिल कदर, लैलतुल कदर के बारे में। ये फी का माना है बारे में। अब जिस तरह अहादीस में भी आता है, मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं कि फलां आयत नजालत फी कजा, कई सहाबा से मरवी है, वो फरमाते थे कि ये आयत नजलत फिया, ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है, मेरे अंदर नाजिल नहीं हुई बल्कि मेरे बारे में नाजिल हुई है।
तो फिर इस रात की अजमत और बढ़ गई कि अल्लाह फरमाते हैं ये वाहिद रात है जिसके बारे में मैंने कुरान उतार कर इसकी शान बयान की है, वरना जितनी रातें हैं किसी रात के मुताल्लिक कुरान अल्लाह ने नहीं उतारा है। तो कुरान उतार कर किसी रात की अजमतों को बयान किया हो, अगर कुरान ने किसी शान किसी रात की शान बयान करने के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा है तो वो कौन सी रात है? वो लैलतुल कद्र है। बहरहाल दोनों मैंने तौजीहात पेश कर दी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराक मा लैलतुल कद्र। अब लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं? इमाम राजी रहमतुल्लाह ने बहुत सारी चीजें जिक्र की हैं। एक कि इसको कदर वाली रात इसलिए कहते हैं कि कदर तकदीर को कहते हैं। किसको? तकदीर को। और आप पढ़ते हैं वल कदर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, वल कदर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, कि मेरा ईमान है अच्छी बुरी तकदीर किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। तो लैलतुल कदर तकदीर वाली रात, कौन सी रात? तकदीर वाली रात। अब आप कहेंगे हदीस के अंदर आता है तकदीर तो अल्लाह ने, इन्नल्लाह कतब मकादीर अल्खल्क, अल्लाह ने तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी है, कबल अन यखलुक السماوات والارض بخمسين الف سنه, आसमान और जमीन के पैदा करने से भी 50,000 साल पहले। आसमान और जमीन की पैदाइश से भी पहले आपकी तकदीरें अल्लाह ने लिख दी हैं। तो अब इस रात में को तकदीर की रात किस लिए कहा गया? वो ये उलमा फरमाते हैं कि इस रात में अगले साल तक के लिए जो हिस्सा होता है जो 50,000 साल पहले लिखा जा चुका है वो फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है, वो रजिस्टर, वो काम जो अगले साल तक अगले साल लैलतुल कदर आने से पहले पहले तक जितने भी काम होते हैं सुपुर्द करने के वो अल्लाह इसमें सुपुर्द कर देते हैं। लोगों ने ये मामला उठा के शबे बारात के साथ जोड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही? क्या करें, अजीब मामला है। ये तकदीर वाली बात को उठा के शबे बारात के साथ जोड़ा हुआ है। और फिर सूरह दुखान की जो आयत है कि इन्ना अनजलना हु फी लैलतिम मुबारका फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना, कि युफरकु कुल्लु अम्रिन, कि हर अमर हर काम को जुदा किया जाता है, फैसले किए जाते हैं, इसको उस रात के साथ जोड़ा है। नहीं, कुरान ने खुद बता दिया कि वो बरकत वाली रात लैलतुल कदर वाली है और लैलतुल कदर ही वो रात है जिसमें अगले साल तक के लिए आपकी तकदीर के फैसले कर दिए जाते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, तो एक माना। दूसरा माना कदर कहने की वजह, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कदर का माना होता है तंगी। क्या? अब तंगी वाला माना भी कुरान ही ने बताया हमें। कमाल है कुरान का। दो मकामात, एक मकाम पे यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम को छोड़कर इलाका छोड़ के निकल गए तो कुरान कहता है फज़न्ना अल्लन नक़दिरा अलैह, मेरे पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गुमान ख्याल किया अल्लन नक़दिरा के हम उन पे तंगी नहीं करेंगे, ये ख्याल कर कि अल्लाह गिरफ्त नहीं करेंगे तंगी नहीं करेंगे निकल पड़े थे। तो इन कदर का माना तंगी, और दूसरे मकाम पे कुरान कहता है कदर का माना तंगी। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं किसी अपने बंदे को आजमाता हूं फकदर अलैहि रिज़्क़हु
उसकी रोजी क्या कर देते हैं अल्लाह, तंग कर देते हैं। तो फयकूल रब्बी आहानन, वो शिकवे करता है, कहता है मेरे रब ने मेरी तोहीन कर दी है। तो यहां कदारा का माना है तंग करना। तो अब ये तंगी की रात इसको क्यों कहा गया? उलमा कहते हैं इसलिए इसको तंगी की रात कहा गया है कि इस रात में आसमानों के तमाम फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, इतने उतरते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, इस रात में क्या उतरते हैं? फरिश्ते उतरते हैं और तंग हो जाती हैं। अगर मैं ये कहूं कि मस्जिदें भी तंग पड़ जाती हैं रमजान की रातों में, और खासकर हरम तो बिल्कुल ही तंग पड़ जाता है। सड़कों पे आप देख लें, इंसान सोचता है ये मखलूक आ कहां से गई है। तो इस लिहाज से इसको लैलतुल कदर कहा। और तीसरी वजह कि लैलतुल कदर को कदर कहने की वजह यह है कि कदर हमारी अरबी में भी, पश्तो में भी और उर्दू हिंद को में भी कहते हैं कि मैं फुलां के पास गया, फुलां ने मेरी बड़ी कदर की है। क्या की है? कदर की है। या अरबी कहते हैं कि फुलां का, फुलां की मेरे यहां बड़ी कदर है, यानी इज्जत है, तौकीर है, शान है। तो मानोगे इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर, हमने कुरान को अजमत वाली यानी कदर वाली रात, जिस रात की अल्लाह के हां बड़ी कदर है। कितनी कदर है कि रात तो एक है, बेहतर हजार महीनों से है। ये कदर नहीं तो और क्या है? लैलतुल कदर खैर मिन अल्फ शहर, हजार महीनों से अफजल है। तो लैलतुल कदर में अल्लाह फरमाते हैं, हमने कुरान को उतारा, वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और आपको किसने बताया, क्या मालूम लैलतुल कदर क्या है? कुरान में दो तरह के अल्फाज आते हैं, एक अदराका और एक आता है युद्री का। उलमाए तफसीर ने अजीब बात लिखी है कि जहां कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को खिताब करके फरमाया वमा अदराका, कि आपको क्या मालूम, आपको किसने बताया, तो इसके बाद अल्लाह ने वो चीज बता दी है। जहां अदराका फरमाया कि आपको मालूम नहीं, तो फिर वो बता दी, मालूम करा दी गई। और जहां फरमाया वमा युद्री का, आप क्या जाने, तो वहां वो नहीं बताई। कयामत के मुतालिक फरमाया वमा युद्री का लअल्लस्साअत तकूनु करीब, आपको क्या मालूम शायद के कयामत करीब हो। तो कयामत का इलम नबी को नहीं दिया गया, कब आनी है, किस सन में आनी है, किस महीने में आनी है, कितने सालों के बाद आनी है, ये इसका इलम सिर्फ और सिर्फ खुद कुरान कहता है इन्नल्लाहा इंदहू इल्मुस्सा, कयामत का इलम किसके पास है, इलैही युरद्दु इल्मुस्सा, उसी की तरफ कयामत का इलम लुटाया जाता है। जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं नबी करीम के जानू के साथ, अपने जानू जोड़ के बैठते हैं और पूछते हैं मतस्सा आ, कयामत कब आएगी? नबी करीम जवाबन फरमाते हैं मल मसूलो अनहा बे आलम मिन असाइल, और पूछने वाले कयामत का इलम ना तेरे पास है ना मेरे पास है। जिस तरह तुझे इलम नहीं, इस तरह मुझे भी इलम नहीं। और जहां अदरा का आया तो वहां बताया, मसलन जैसे फरमाया अलकारिया मलकारिया वमा अदरा का मलकारिया, कारिया क्या है? तो खुद फिर आगे वजाहत कर दी, कारिया ये है
الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, حاقہ کیا ہے, ثابت ہونے والی کیا ہے, واقع ہونے والی کیا ہے. تو پھر آگے بتا دیا واقع ہونے والی چیز یہ ہے, قیامت ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. یہ پوچھنے کا انداز کیوں اپنایا؟ اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے. جیسے ہم کہیں آپ کیا جانیں رمضان کیا ہے, پھر خود وضاحت کر دی. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے. کتنے مہینوں سے؟ ایک ہزار مہینوں سے. اب اس میں بھی مفسرین کا اپنا اپنا انداز ہے سمجھانے کا, قربان جائیے. پہلا معنی کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ہزار مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 84 سال 4 مہینے. کتنا؟ 84 سال 4 مہینے. قربان جاؤں میرے نبی کی امت پہ اللہ نے کتنی کرم نوازی کر دی. سنتے تھے کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی, ہزار ہزار سال, 400 سال, 500 سال. جب عمریں زیادہ تو عبادت کے مواقع زیادہ, تو پھر چاہیے کہ ان کو رتبہ زیادہ ملے. حالانکہ نوازنا اللہ نے اس امت کو زیادہ تھا اور عمریں کم کر دی ہیں, تو نوازشات کا طریقہ یہ اپنایا کہ ان کی عمریں بڑھا دیں. ان کی عمریں تو کم کر دی لیکن ان کو ہر سال لیلۃ القدر عطا کر دی. اب بندہ اس سال لیلۃ القدر پائے 84 سال 4 مہینوں کی عبادت, اگلے سال پھر پائے تو 84 سال اور 84 سال کتنے ہو گئے؟ 168 سال. اللہ اکبر. اور جو بندہ 30 سال سے روزے رکھتا رہا اور رمضان کی ہر رات کھڑا ہوتا رہا, لگائے حساب. فرمایا کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ عمریں اگر 60-70 سال ہیں لیکن میں نے نوازشات اتنی کر دی ہیں کہ تم اگلوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے. کیوں رشک کرتے ہو ان پہ؟ قابل رشک آپ خود ہو میرے نبی کی امت. ما ادراک ما لیلۃ القدر, اور پھر دوسری بات یہ تو بتایا کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے, بہتر ہے. خیر کا لفظ استعمال کیا, افضل کے بجائے خیر کا لفظ, بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا. کیا یہ نہیں بتایا؟ یہ بتا دیتے تو حد متعین ہو جاتی. یہ بتا دیتے تو حد, تو اللہ نے حد نہیں بتائی کہ ہزار سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے؟ جتنا اللہ جانے. جتنا آپ کا اخلاص بڑھتا جائے آپ کے لیے اتنا بہتری بڑھتی جائے گی. اور ایک اور توجہ کرنے لگا ہوں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عربی میں لفظ ہزار, ہزار کا جو عدد ہوتا ہے نا, یہ حد متعین کرنے کے لیے نہیں آتا. جی ہزار ہے, 1001 نہیں یا 2000 نہیں, یہ حد متعین کرنے کے لیے نہیں. عربی اس چیز کو یوں کہتے, فلاں آیا کہتے جی میں 1000 دفعہ آپ کو کہوں خوش آمدید. کتنی دفعہ کہتا ہوں میں؟ 1000 دفعہ تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ 1000 دفعہ کہتا ہوں, 1001 دفعہ نہیں کہتا. یہ مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کوئی حد نہیں ہے. کیا؟ کوئی حد نہیں ہے اس کی. دو لفظ استعمال ہوتے تھے, ایک 70 کا لفظ
और एक हजार का, कितना? सत्तर का लफ्ज भी कुरान ने जिक्र किया और हजार का भी जिक्र किया। मैं दोनों पेश करता हूं। सत्तर का लफ्ज यूं पेश किया, फरमाया मेरे पैगंबर अल्लाह मुशरिक की मगफिरत नहीं करता, अल्लाह मुशरिक की मगफिरत अगरचे इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रा, अगरचे आप उसके लिए सत्तर दफा भी मगफिरत की दुआ मांगे। तो इस आयत का मतलब कोई मुफस्सर ये नहीं लेता कि जी सत्तर दफा अगर आप मगफिरत की दुआ मुशरिक के लिए मांगेंगे तो माफ नहीं करेगा अल्लाह, लेकिन अगर इकहत्तर बहत्तर मरतबा मांगेंगे तो फिर अल्लाह बख्श देगा। बोलिए, अगर करोड़ दफा भी कोई मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ मांगे नहीं बख्शता तो फिर सत्तर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ये अरब के उस लहजे और मुहावरे में कि जिस तरह हमारी बोली में सौ का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, सौ बार समझाया फलाने पर नहीं समझाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिनता रहा अब जी ननानवे हो गए सौ हो गए, यानी बेहिसाब समझाता रहा। अब अगर ये माना हो तो माना आयत का ये है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र बेहतर है बाकी महीनों से बेहिसाब बेहतर, लैलतुल कदर बाकी तमाम महीनों से कितना बेहतर है? बेहिसाब बेहतर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या शान है, क्या अजमत है। अब आप कहेंगे रात बेहतर है तो इसका मतलब क्या है? रात बेहतर है मतलब यह कि इस रात में इबादतें बेहतर हैं। बात समझ में आ गई? इस रात में दुआ बेहतर है। और अजीब सी बात, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अगर मैं लैलतुल कदर को पालूं, क्या अजीब लोग हैं, अगर मैं लैलतुल कदर को पालूं कि आज की शबी कदर वाली है तो मैं क्या करूं? नबी करीम ने फरमाया आयशा अगर लैलतुल कदर को पाले तो फिर दुआ मांगा कर, क्या? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीमुन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीम, अल्लाह तू बख्शने वाला करम नवाज है, फाफु अन्ना अल्लाह हमें माफ कर दे बख्श दे, तू बख्शने वाला मेहरबान है। तो इशारा कर दिया हरिपुर वालों, हालांकि रात तो बड़ी तवील है, ये नहीं फरमाया कि जब पाले तो फौरन मुसल्ले पे आ नफल पढ़, रात पाले तो फिर तिलावत शुरू कर दे, बल्कि दुआ की तरगीब दी तो इशारा कर दिया कि ये लैलतुल कदर दर हकीकत लैलतुल दुआ है। मांग मेरा बंदा मांग, ये दुआ की रात है। सैकड़ों किलोमीटर के सफर काट के आप पीरों के पांव में जाओगे, तावीजगरों के चक्कर काटोगे, मलंगों थलंगों के पीछे भागते रहोगे, मसले हल नहीं होते, ये हल नहीं होता, ये नहीं होता। रब की तरफ से कितनी बड़ी नवाजिशात है, क्या फिर भी एक बंदे से ये रात यूं ही गुजर जाएगी? वो मोमिन भी होगा, दिन को रोजा भी रखा होगा, फिर भी ये रात उससे वैसे ही चली जाएगी? नहीं, इंशाअल्लाह कभी नहीं जाने देंगे ऐसे। हम दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ये रात बहुत अजमत वाली रात है, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहरिन, हजार महीनों से बेहतर है, बेहिसाब बेहतर है। इस रात में दुआ मांग रहा होगा, कोई सजदे में पड़ा हो,
कोई क्याम में है, कोई रोजी का सवाल करता है, कोई कारोबार का सवाल करता है, कोई जन्नत का सवाल करता है, कोई रब से रब के दीदार का कयामत वाले दिन सवाल करता है, कोई जन्नतुल फिरदौस मांग रहा है, कोई सेहत मांग रहा है, कोई औलाद मांग रहा है। अगर हजार महीने खड़े हो के मांगते रहो, कितना हजार महीने खड़े हो के मांगते रहो, अगर इस एक रात में खड़े हो के मांग लिया, हजार महीना खड़े होकर मांगने से बेहतर होगा। 84 साल खड़े हो के मांगते रहो, उससे बेहतर है कि इस एक रात में खड़े हो के मांग लो। अब लैलतुल कदर है तो रमजान में, पहली बात। दूसरी बात यकीनी है कि है भी आखिरी अशरे में, और तीसरी बात भी यकीनी है कि है भी ताक रातों में। बस ये जहन में रख लीजिए, कितनी बातें। पहली बात रमजान में है ये रात, दूसरी बात आखिरी अशरे में है, और तीसरी बात यकीनी है कि ये ताक रातों में से है। अब ताक रातें आखिरी 10 रातों में, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात और 27 की रात और फिर 29 की रात, तो कितनी रातें हो गई, 5 रातें हैं। और फिर आप लोगों का इख्तिलाफ खत्म करने के लिए एक ये भी सूरत पेश कर दूं। कई लोग कहेंगे अच्छा इधर 27 है सऊदीया में, 28 है इधर, 21 है उधर, 22 है, तो लैलतुल कदर इधर वाली शुमार होगी या उधर वाली होगी। हैं लोग पूछने वाले पूछते ही रहते हैं। एक बंदा मुझसे पूछ रहा था तो मैंने कहा आसान हल बताऊं, ये आखिरी 10 रातें जितनी भी हैं हर रात कयाम करना जी, आसान हाल है। 21 और 23 का इंतजार करने के बजाय आप इन 10 रातों को, कयाम तो वैसे भी बंदा करता ही है तरावीह की सूरत में, लेकिन आखिरी इन 10 रातों में भरपूर इस नियत के साथ कि अल्लाह मुझे कदर वाली रात नसीब हो जाए, और जब नसीब होगी तो अजर क्या है। फरमाया मन काम लैलतुल कदर ईमानं व इहतिसाबन, जो बंदा लैलतुल कदर इस रात को खड़ा हो गया, शबे कदर में क़याम किया, ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह मुआफ हो गए। गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, अब रब से कोई नहीं झगड़ सकता कि अल्लाह क्यों माफ किया है। भाई उसे को पूछ सकता है, यग़फिर लिमन यशा व युअज़्ज़िब मन यशा, अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी है जैसे चाहूं अजाब दूं जैसे चाहूं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं, मगफरत करने वाली जात अल्लाह की है। और इस रात की एक खसूसियत, तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, उतरते हैं फरिश्ते इसमें और जिब्रील अमीन उतरते हैं। फरिश्तों का कहा तो जिब्रील फरिश्ता नहीं है, इसको अलग से इसलिए जिक्र किया कि ये सैयदुल मलाइक है, जिब्रील की नुमाया शान है, अजमत है, इसलिए कि बाकी फरिश्तों में ये एजाज जिब्रील ही को हासिल है कि अल्लाह से वही लेके मेरे मोहम्मद के सीने तक लाने वाला, ये एजाज जिब्रील के लिए थोड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिब्रील उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं अपनी मर्जी से, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, यानी इशारा कर दिया। बड़े बड़े ताकतवर फरिश्ते हैं, और इमाम राजी ने अजीब बात लिखी है कि फरिश्ते कोई कयाम के लिए, कोई सजदे के लिए, कोई रुकू के लिए, कोई सजदे के लिए पैदा है। जो कयाम में वो कयाम में, जो रुकू में वो रुकू में, जो सजदे में
इस काम में लगे हैं वो लगे हैं, लेकिन इस रात की अजमत कि अल्लाह उनसे वो काम छुड़ा के उन्हें उतारने का उतरने का हुक्म दे देते हैं। उतरिए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। इतने मासूम होने के बावजूद भी, ताकतवर होने के बावजूद भी, रब की इजाजत के बगैर एक काम भी वो नहीं करते। कुरान इसीलिए कहता है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफालून मा युमरून। वल्लाह की नाफरमानी वही करते हैं जो रब का हुक्म होता है। बिज़्नि रब्बिहिम, रब के हुक्म से उतरते हैं। किस लिए उतरते हैं? मिन कुल्लि अमरिन, मिन को बा के माने में मुफसरीन लेते हैं, बिकुल्लि अमरिन हर काम के साथ। अब वो कौन सा काम है? मुफसरीन फरमाते हैं पहली तो जी कि वो काम अगले साल तक के लिए जो तकदीर के फैसले होते हैं, जो जिम्मेदारियां अल्लाह देता है उसके साथ उतरते हैं। और बास मुफसरीन फरमाते हैं बिकुल्ल अमरिन, मिन कुल्ल अमरिन जब बिकुल्ल साल की नहीं, यानी हर किस्म का खैर लेकर आते हैं। सलामुन सलामुन, उलमा फरमाते हैं कुछ कहते हैं सलामुन हिया, ये मुब्तदा है खबर महजूफ है, और कुछ कहते हैं हिया सलामुन, ये खबर है मुब्तदा इसकी महजूफ है। तो माना ही होगा सलामुन अहिया सलामुन, ये रात बाज उलमा कहते हैं जू सलामतिन, सलामती वाली है। लेकिन एक मुफसर अजीब बात लिखते हैं, वो कहते हैं जू सलामतिन कहने के बजाय जब रब ने कह दी ये रात नीरी सलामती ही सलामती है, ये रात यकसर क्या है सलामती है। एक आलिम ने अजीब नुक्ता लिखा है कि रमजान के महीने में शयातीन तो वैसे भी जकड़े जाते हैं बड़े बड़े सरकश शयातीन, लेकिन इस रात की खसूसियत यह है कि इस रात में शयातीन मिन कुल्लिल वजू हर तरह से जकड़े जाते हैं, सब जकड़े जाते हैं, हर किस्म के शयातीन के वसवसे से बंदा क्या हो जाता है बचा हुआ होता है। सलामुन ईमान की सलामती, अकीदे की सलामती, बहुत सारी सलामतियां ही सलामती हैं। कब तक रहती है? हत्ता मतलाइल फजर। हमारे लोगों ने मशहूर कर रखा है कि जी ये रात नजर आ जाए ना किसी को तो बस फौरन सजदे में गिर जाए, इसलिए कि ये थोड़ी सी झलक होती है। कई लोग कहते हैं बस आसमान में कोई रोशनी सी देख लो ना तो बस समझो ये रात आ गई है, बस सजदे में गिर जाओ। कई लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि जी बस जब रात को सहन में निकला करो ना तो जब सहन में देखो दरख्त सजदे में गिरे हुए हों तो समझ आया करो लैलतुल कदर है। और कई साथियों ने तो यह कहा कि जी फलां औरत निकली थी रात को सहन में तो बकरी खुली हुई थी उसकी, तो दरख्त तो सारे सजदे में पड़े हुए थे तो उसने दरख्त की एक टहनी के साथ बकरी बांध ली, और जब सुबह हुई तो दरख्तों ने सजदा ख़त्म किया तो जब दरख्त खड़ा हो गया तो सुबह वो बकरी ऊपर लटक रही थी। मैंने कहा भाई भाई ये तो सलामती वाली ना हुई, क्या कहानियां लोगों ने बनाई हुई होती हैं, क्या अपनी तरफ से किससे घड़ लिए होते हैं। और कई लोगों ने बर्तनों में घर के अंदर खारा पानी रखा होता नमकीन, कहते हैं रमजान की आखिरी रातों में हर रात उठ के इसको चखा करो, अगर वो नमकीन खारा पानी मीठा हो जाए समझो लैलतुल कदर है। वाह भाई अजीब कहानियां हैं। कुरान का फैसला या हत्ता मतलाइल फजर, ये कोई आधा घंटा पौना घंटा नहीं है, ये फजर तुलू होने तक रहती है। अल्लाह कहते हैं फजर तुलू होने तक रहती है, इतनी कुशादगी और नवाजिश इन्होंने कम करके थोड़ी सी रात बना दी है।
किसी ने 10 मिनट रख दिए और किसी ने 15 मिनट मांगी ये उठ के सफेद रिश से गुजारिश करता हूं, अगर आप उठते हैं, जवान भी उठते हैं, बच्चे भी उठते हैं, अगर आप उठते हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि जहां आलम इस्लाम को दुआओं में याद कीजिए वहां मेरे लिए भी दुआ कीजिए, और मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, सब के लिए, परदेसियों के लिए तो मैं खुसूसन दुआएं करता हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है अभी से कमर बस्ता हो जाइए और जहनी तौर पर तैयार हो जाइए। जब ये आखिरी अशरा आता तो बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम खुद भी जागते पूरी पूरी रात, व अयक़ज़ा अहलहू, अपने अहले बैत को भी जगाते, और हदीस के अल्फाज हैं शद्द मेज़रहू नबी अलैहिस्सलाम, जिसको हमारी बोली में कहते हैं लंगोटा कस लेते थे, जिस तरह एक पहलवान कुश्ती के लिए उतरता है तो वो अपना तहबंद खींच के ऊपर कर लेता है, कस लेता है, तैयार हो जाता है। यानी इन रातों में इबादत इलाही से किनाया है, अल्लाह की इबादत के लिए इस तरह कमर बस्ता और चुस्त हो जाते थे, हालांकि मासूम हैं, बख्शे हुए हैं। जन्नत में जाना आपके लिए शरफ नहीं, खुद जन्नत के लिए शरफ है, जन्नत आपकी मुंतजर है, लेकिन फिर भी इस रातों में जागना, गिड़गिड़ाना। और एक अजीब बात, हर रात सहरी के वक्त मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अब ये हदीस मेरी और आपकी समझ में नहीं आ सकती, कैसे आते हैं ये उसकी शान के जैसे लायक है, इसको हम तशबीह नहीं दे सकते, लैसा का मिसली ही शैयोन, अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं है। हर रात सहरी के वक्त और आकर ऐलान करते हैं 3 दफा, है कोई बंदा जो मुझसे माफी मांगे माफ कर दो, है कोई बंदा जो रोजी का तलबगार हो मैं दे दूं, है कोई बंदा जो मुझसे राजीनामा करना चाहे मैं उसे राजी हो जाऊं। किसी शख्स ने क्या ही खूब कहा कि मैं तो जब भी रात को उस पैर उठता हूं तो मैं 3 दफा ये कह देता हूं, अल्लाह मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो किसी ने पूछा मैं हूं ना का क्या मतलब है, फरमाया ये मेरे रब के जुमलों का जवाब मैं दे रहा हूं। रब फरमाते हैं कोई है बख्शिश तलब करने वाला, तो मैं जवाब में उठ के आंसू बहा के कहता हूं रब्बा मैं हूं ना। आपका ऐलान है कोई मगफिरत तलब करने वाला है, तो मैं कहता हूं अल्लाह मैं हूं ना, मांग रहा हूं, जोली फैलाए बैठा हूं। रब कहते हैं है कोई रोजी मांगने वाला, है कोई जो मगफिरत मांगने वाला, मैं कहता हूं अल्लाह 3 दफा मैं हूं ना। यह बंदे और रब का मामला है, बंदा रब से जिस तरह मांगे। एक शख्स उमरे के लिए गया, कहता है मुल्तजम से चिमटा हुआ हूं, इतने में एक औरत आ गई अरबी, मैं अपनी दुआएं मांग रहा हूं अपने अपने अंदाज में। वो औरत आके कहती है अल्लाह मेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, मैं कह रहा था अल्लाह माफ कर दे, मिटा दे, खत्म कर दे। वो अल्लाह की बंदे आके कहने लगी अल्लाह मिटाई न दे बल्कि नेकियों में बदल दे। कहते हैं इतने दर्द से उसने कहा कि मैंने अपनी दुआ छोड़ के कहा, मैंने कहा अल्लाह जो ये बुढ़िया कह रही है मैं भी वही कह रहा हूं, मेरा भी यही सवाल है। रब से मांगने का अपना एक तरीका है, जब बंदे की मोहब्बत हो, तलब हो, तो वो अपने रब को मना ही लेता है। तो मेरे दोस्तों ये है वो अजमत वाली रात, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।